भी हमारी कुछ भी सुनी, हमको तक्के मार के निकाल दिया उधर से। तो मेरा जो स्वेंट उसने ऐसी टेंशन में वे खुदकुशी कर ली, जबरदस्ती हमारे साइन लिए। मेरे पापा ठीक नहीं थे, मेरे से जबरदस्ती साइन लिए। दूसरे दिन हम पापा टेंशन में हो गए, हम SDM के पास गए कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। SDM ने हमें धक्के मार के बाहर निकाला, हमारी किसी ने नहीं सुनी। पापा 30 साल जवान थे, वो एक 30 साल अपनी उन्होंने पूरी जिंदगी फौज में दी और उनको कैसी मौत दी। जो पुलिस वाली आती है लेडीज मेरे को डंडे मारने लगी, कहती आप पीछे हट जाओ। मैं कैसे छुप के उधर हो गई खड़ी, मैं मेरे को कैसे पीट ना सही लगे। द्वार तोड़ने लगे, चकदम द्वार तोड़ने लगे बथेरा। मैंने बोला भी नहीं मेरा पास इस जमीन के अलावा हमारे पास कहीं पे एक मतलब कि एक दुकान तक की जगह नहीं थी। हमने कैसे कैसे, आपको पता है एक इंसान पूरी उम्र में क्या बनाता है, एक गरीब बनाता है। मेरे बाप पे वो अपने सपनों का घर कैसे उजड़ता देखता। आप जुड़ चुके हैं बाहू एक्सप्रेस के साथ और मैं हूँ आपके साथ आंचल। हमने आपको हर जगह की खबरों का दौरा करवाया, हर जगह की खबरों के साथ आपको रूबरू कराया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ महसूस की जाती हैं। जहां इस तरफ जो है कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और इस महामारी के बीच में जो है कुछ ऐसी घटना, एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसका ना तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ना ही उसकी भरपाई की जा सकती है। बात करें अगर सरकार की, तो इस महामारी के समय में सरकार जो है अपना बहुत ही बाखूबी तरीके से रोल निभा रही है। और बात करें उन डॉक्टर्स की, नर्सेज की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन हर वो ज़रूरी कदम उठा रही है, चाहे गाइडलाइंस आना कि मास्क के बिना पब्लिक प्लेस पर नहीं जाया जाएगा। तो कहने का मतलब यही कि हर तरीके की जो है सुविधा जो है सरकार उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी सरकार अपनी बहुत बाखूबी तरीके से निभा रही है, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जो है जो सरकार जो है चूक रही है। कहीं ना कहीं जो है सरकार कुछ आम जनता पर, क्योंकि आम जनता ही ऐसी एक कड़ी होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन और एक ज़िंदगी के बीच में हम कहते हैं कि एक कड़ी होती है जो जोड़े रखती है। सरकार के साथ जो आम व्यक्ति होता है वो एक कड़ी के साथ बंधे होते हैं और उस कड़ी को जोड़े रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहां सरकार अपनी जिम्मेदारियां बहुत बाखूबी तरीके से निभा रही है, वहीं कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते कुछ ऐसी अचूक गलतियाँ जो हैं जो कहीं ना कहीं जो है होने वाली हैं या हो चुकी हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम पहुँचे हैं बिश्नाह रोड पे और बिश्नाह में इस वक्त हम एक घर पे मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हैं और एक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपने सुना ही होगा कि लगातार हम काफ़ी दिनों से जो है ये खबरों के माहौल जो है इस टाइम पर गर्म है और यहाँ पर जो है सरकार द्वारा एक रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते जो है ये घर जो है इस पर बात आ रही है और इसको तोड़ने की जो है बात की जा रही है। तो मुद्दा क्या है, क्या नहीं है मुद्दा, सीधे हम इन्हीं से जानते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और किस बात पे जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैम आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैम जो भी पिछले 2-3 दिन से जो भी घटना हो रही है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैम जो तहसीलदार साहब हमारे घर आए एक दिन तो मुझे बोला कि आप मकान खाली करने के लिए, तो मैंने बोला कि मेरा अभी लड़का 6-7 महीने होया स्पायर हुए इसी टेंशन में, जो मकान की टेंशन में अभी मेरा जो हस्बैंड है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं ऐसे मतलब कुछ कर नहीं सकती, अभी बोल नहीं सकती। तो बोलते नहीं हमने जो टाना ही टाना आपका जो मकान है हमने टाना ही टाना। तो मैंने बोला भाई मेरा मतलब मैं सहन उस मेरा हस्बैंड सहन नहीं करेगा, मेरे लड़के से सहन करा ले इन्होंने नोटिस पर, हमने हमको नोटिस दे गए उन पर टाइम ही थोड़ा मतलब कोई 5 दिन का दिया था। तीसरे दिन के आन के हमारे घर हमारी एक बस
पुलिस की ला के तो मेरा घर तोड़ के चला गया जो हमारी दीवार। हमने बोला कि हमको बोलने लगे कि हम पैसे देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो कुछ भी नहीं किया। हम SDM के पास गए तो उन्होंने भी हमारी कुछ भी सुनी, हमको तक्के मार के निकाल दिया उधर से। तो मेरा जो हस्बैंड था उसने ऐसी ही टेंशन में मैं खुद कुछ ही कर ली और मेरे लड़के ने भी मुझे ऐसे ही कर दिया। सरकार जहां अपनी जिम्मेदारियां जो है बहुत बाखूबी तरीके से निभा रही है, लेकिन ऐसी भी क्या जिम्मेदारी जो एक आम इंसान को जो है आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी जिसकी वजह से एक आम इंसान पर जो है उसको खुद अपनी जान लेने पर मजबूर कर देना, ये एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्राइम है ये। क्योंकि अगर बात करें ज़िंदगी की, तो इस वक्त ज़िंदगी की कीमत जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है जहां लोग इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, और न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग जो हैं इस महामारी से लड़कर अपनी जान गंवा बैठे हैं और कुछ भी अभी लड़ रहे हैं। और इस ज़िंदगी की परेशानी में जहाँ पर सरकार ने एक बात कही घर वालों से कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सड़क बनाने के लिए ये बीच में घर आ रहा है तो आपको घर खाली करना पड़ेगा, तो देखा जाए कि जो ये घर है, जो घर होता है किसी भी आम इंसान का, ना सिर्फ इनका, ना सिर्फ हमारा, ना सिर्फ आपका, किसी भी इंसान का जो घर होता है वो जीवन भर की पूंजी होती है जो उसने कमा कर एक घर बनाया होता है, तो ये कोई छोटी सी आम बात नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैम ने कहा कि उन्होंने हमारे से जो है सिग्नेचर ले लिए और बाद में जो है वहाँ पर जो है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी, तो इस वक्त जो है इससे इनसे बात करने से पहले आपको ये भी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस घर के मसले में, इस ये जो घर की प्रॉब्लम चल रही है, इससे पहले इनके एक और ब्रदर थे जिन्होंने इसी परेशानी की वजह से जो है आत्महत्या कर ली थी, खुद को फांसी लगा ली थी। और जो इनके हस्बैंड हैं, मैं आपको पूरी जो है बताना चाहूँगी इस वक्त की, जो स्टार्टिंग से हुआ था कि जिस दिन यहाँ पर जो है सारे यहाँ पर जिस दिन तहसीलदार सारे जितने सरपंच जो भी हैं सब यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर सारे लोग, घर के लोग भी मौजूद थे, उसी दिन यहाँ पर जो है पुलिस फोर्सेस को बुलाया गया, लेडीज़ पुलिस फोर्सेस को बुलाया गया, मेल्स पुलिस फोर्सेस को बुलाया गया, और यहाँ पर जो है एक एक्शन लिया गया। और उस एक्शन को देखकर जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो इनके हस्बैंड है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और घबराने की वजह से जो है वो फेंट हो गए, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया गया मेडिसिन प्रॉपर देकर, और अगले दिन जो है इसी टेंशन की वजह से जो है उन्होंने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं एक बार फिर पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से एक इंसान को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जान दे दे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं घर के बेटे, जिनसे पूछना चाहेंगे कि जब इनके फादर साहब ने जो है आत्महत्या की, क्योंकि इस समय हम जानते हैं कि बात करना जो है इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एक जो है एक बहुत ही नरम माहौल है, इसमें हम इनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इनसे पूछने की। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, दिस इज़ नॉट ए सुसाइड, दिस इज़ ए मर्डर डन बाय तहसीलदार SHO बिश्नौर। हमारे घर में 3 दिन पहले जे आए तहसीलदार बिश्नौर, आके सीधी सलाह में बोलते 5 दिन का नोटिस लेके आए कि आप मकान खाली करो। 5 दिन में बंदा कौन सा होता है कि कहाँ से, मतलब 5 दिन में घर बन जाता है? 5 दिन का हमें टाइम दिया, हमें नोटिस देके गए, वो भी हमने एक्सेप्ट नहीं करे थे, ज़बरदस्ती हमारे साइन लिए। मेरे पापा ठीक नहीं थे, मेरे से ज़बरदस्ती साइन लिए। दूसरे दिन हम पापा टेंशन में हो गए, हम SDM के पास गए कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। SDM ने हमें धक्के मार के बाहर निकाला, हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसके अगले दिन चलते तहसीलदार ने हमें बुलाया बिश्नौर, तहसीलदार ने उसके अगले दिन ही आके जिस दिन नोटिस दिया था उसके 5 दिन का नोटिस दिया था, तीसरे दिन आके हमारे घर में 100 से ज़्यादा पुलिस वाले लेके आए, जैसे कोई आतंकवादी रहता हो। मेरा पापा 30 साल जवान थे, वो एक 30 साल अपनी उन्होंने पूरी ज़िंदगी फौज में दी, और उनको कैसी मौत दी, मैं क्या बोलूँ। इस वक्त जो इस फैमिली का माहौल है वो हम समझ सकते हैं कि एक, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके फादर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, अपनी 30 साल की उम्र जो है आर्मी में, यानी कि
एक जवान जो है उसकी एक अलग ही अपनी खूबी होती है, क्योंकि एक जवान जब एक सरहद पर खड़े होकर अपनी देश के लिए जो है, जब अपने देश के लिए जान देता है, तब उसको चार चांद लगते हैं। लेकिन जब ऐसी जैसी हरकतों की वजह से जो है एक जवान, एक रिटायर्ड, जैसे कि उन्होंने कहा एक रिटायर्ड आर्मी जो हैं वो ऑफिसर हैं, क्योंकि एक जवान भी वो एक ऑफिसर के बराबर ही होता है, क्योंकि सरहद पर खड़े रहकर देश की हिफाजत करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। सर आपसे पूछना चाहेंगे, जब एसटीएम से आपको, एसटीएम ऑफिस से जब आपको धक्के मार कर निकाला गया जिस तरीके से आपने बताया, उसके बाद आपने हाई अथॉरिटी से अपील की, कुछ कहा? मैम हाई अथॉरिटीज में कहाँ पे जाना, उसके नेक्स्ट डी डी तहसीलदार आया सुबह सुबह, साथ में 100-150 बंदा पुलिस का लेके आया, हमें पता भी नहीं चलने दिया, कहते आपको मारेंगे, निकल जाओ यहाँ से। उसी टाइम हमारा घर को बुलडोजर चढ़ाया ऊपर, मेरे पापा अंदर बेड पड़े थे, उनसे बाहर तक नहीं निकलने हुआ। निकलने नहीं मैम दिया मेरे उस मैट को बाहर, इन्होंने जो पुलिस वाली आती है लेडीज मेरे को डंडे मारने लगी, कहती आप पीछे हट जाओ, मैं कैसे छुप के उधर होगी खड़ी, मैं मेरे को कैसे पीट ना सही लगे, दीवार तोड़ने लगे, जकदम दीवार तोड़ने लगे, बथेरा मैंने बोला कि नहीं मेरा मकान रहने दो, हम कि कहीं शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर तोड़ना। जी जी, हमारे पास इस ज़मीन के अलावा हमारे पास कहीं पे एक, मतलब कि एक दुकान तक की जगह नहीं थी, हमने कैसे कैसे, आपको पता है एक इंसान पूरी उम्र में क्या बनाता है, एक गरीब बनाता है। मेरे बाप ने वो अपने सपनों का घर कैसे उजड़ता देखता, दिस इज ए मर्डर डन बाय तहसीलदार बिश्ना। सर जिस तरीके से हमें, जो हमारे सोर्सेज के हिसाब से खबर मिली है कि जो 1.5 साल पहले आपके जो ब्रदर थे, उन्होंने भी इसी चीज़ को जो है, इसी चीज़ को कहीं ना कहीं फेस करते हुए जो है अपनी जान जो है दी गई, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मैम वो भी क्या करते, अभी उनकी एज क्या थी, वो भी 22 एज के थे, ये बात सुन के पूरी फैमिली को धक्का सा लग गया था, उन्होंने नहीं बर्दाश्त कर पाए, कहता पापा हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे इसी। इस वक्त जो है कुछ भी कहना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बात जब सिर्फ एक घर की हो तो कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन जब उस बात की वजह से जो है एक इंसान की जान चली जाए, एक इंसान जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये इंसानियत को ख़त्म करने वाली बात है, कि आज जो इंसानियत है वो ज़िंदा नहीं है। हमने आपको हर तरीके की खबर से रूबरू कराया, आज की खबर से आपको रूबरू कराने का कोई मकसद नहीं था, आज की खबर से आपको इसीलिए रूबरू कराया गया ताकि ये आम जनता जो है, ये आम जनता की जो आवाज़ है वो हम आप दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार किस तरीके से अपना काम कर रही है, किस तरीके से नहीं कर रही है वो सरकार बेहतर जानती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त जो है काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से जानती है, लेकिन अगर जब बात आती है एक आम इंसान की, एक आम व्यक्ति की, जो एक एक पैसा जोड़कर, एक एक रुपया जोड़कर जो है पूरा घर बनाता है, और उसके बाद किसी कारणवश जो है सरकार द्वारा जो ऑर्डर आता है उसके उसके मुताबिक लिखा होता है कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ सुनने में बात छोटी लगती है कि घर खाली करना पड़ेगा, और वो भी ऐसे दौर में जब कोरोना वायरस चल रहा हो, जब किसी के घर पर हम पनाह भी नहीं ले सकते हैं, जहाँ पर एक ही घर में चार लोग जो है दो दो गज की, छः छः फीट का डिस्टेंस बना के बैठते हैं, उसी दौर में जो है ये बात सामने आ रही है। और अगर बात करें सड़क बनने की, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि सड़क जो है किस तरीके से जो है काम शुरू करवा रहे हैं, और किस तरीके से जो है घर पे, जैसे कि सर ने कहा कि बुलडोज़र जो है वो चलाया, और हम आपको घर के भी पिक्चर्स दिखाएंगे, हम आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको कि क्या एक आम इंसान को, एक आम इंसान जब इस तरीके की हरकत जो है करने पे मजबूर कर दिया जाता है, वो भी ऐसा इंसान जो देश की सेवा कर कर जो है अपने घर पे रिटायर्ड होकर अब अपनी आगे की ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटर हाफ के साथ जो है बिताने के लिए आया होता है, क्या ये कहीं ना कहीं सही है?
थोड़ी ही देर में हम आपको घर का पूरा जो है दौरा कराएंगे, आपको दिखाएंगे, बाहर का व्यू दिखाएंगे आपको। तो इनसे मैं एक बार फिर पूछना चाहूँगी कि सर, जिस तरीके से आपने कहा दिस इज़ द मर्डर डन बाय द तहसीलदार बिश्ना, सर किस तरीके से आप इस बात को जो आपने स्टेटमेंट दी है आप इसको जो है क्लैरिफाई करना चाहेंगे? मैम सीधी चला देखो, मतलब 5 दिन क्या होता है, मतलब तहसीलदार हमारे घर पे आया हमारा मकान तोड़वाने के लिए, साथ में कोई ना तो गांव का सरपंच लेके आया, ना तो कोई लंबरदार लेके आया, ना तो कोई अदर पर्सन जो मतलब कि डायरेक्टली आता है 100-150 बंदे के साथ। तो ये मर्डर ही हुआ है, मतलब कि एक बंदे के ऊपर आके डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, जैसे कोई मिलिटेंट आया हुआ है उसके ऊपर 100-150 बंदा लेके आ रहा है, बुलडोजर लेके आ रहा है। सर आपने इस बारे में जो है जब एसटीएम ने आपकी नज़र जो बात को है उसको नज़रसानी नहीं दी उसके ऊपर, क्या आपने डीसी से गुहार लगाई इस बात? मैम डीसी तक जाने की हमें टाइम ही नहीं मिला, इजाज़त क्या, अगर एसडीएम ने धक्के मार के निकाला तो सोचो वहाँ पर हमारा क्या होता, वहाँ पर तो इस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये घड़ी एक नरम स्वभाव की है इस वक्त। अब देखना ये है कि इस पर जो है कब तक जो है सरकार इस पर जो है इस घर पे हुए हुए जितने भी जो भी अत्याचार ही हम इस वक्त बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो देश की सेवा करके आके बाद में उसको आत्महत्या करने पे जो है मजबूर हो गया हो, वो तो ऐसी एक जो बात है ये बहुत ही बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं है। तो अब देखना ये है कि सरकार कब तक जो है अगर घर खाली, अब देखना ये है कि घर अगर खाली किया जाएगा तो क्या उसका कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि ज़मीन की जो कीमत है वो करोड़ों में है। जो ज़मीन पहले 1-1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख में जो है ख़रीदी जाती थी, आज की डेट में 2020 में उसकी कीमत करोड़ों में है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि घर खाली करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, 5 दिन में अगर सरकार द्वारा कोई ऑर्डर आता है कि आपको घर खाली करना है, कम से कम ऑर्डर के मुताबिक 30 दिन की जो है 30 दिन की मोहलत दी जाती है कि आपको घर खाली करना है, आपको 30 दिन का वक्त है ताकि एक इंसान कुछ कर सके, और वो भी ऐसे दौर में जब कोरोना वायरस बीमारी जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। और जैसे कि हमने आपको कल की अपडेट में बताया था कि 2 और पॉजिटिव केस जो है कृष्णा नगर से सामने आए हैं और वहाँ पर जो है अब पूरे रूटीन सैम्पलिंग जो है वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखना यह है कि सरकार कब तक इन लोगों की जो है मदद की गुहार सुनती है, कब तक जो है डीसी जम्मू जो है इन पर जो है नज़रसानी देती है, और जितना भी इनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है उस पर कोई ना कोई कड़ा जो है फैसला सुनाती है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।